करने के लिए। इसके साथ साथ राणा एहसान अफजल खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के सर, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों गेस्ट का। आप दोनों को रमजान बहुत मुबारक हो, कैसा गुजर रहा है? आपको भी रमजान बहुत मुबारक हो, और पहले तो बहुत शुक्रिया अपने टीवी शो पे इनवाइट करने के लिए। ये जो टाइम है यहाँ अभी बैठ के बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि लाइव कुकिंग हो रही है और बड़ी मजेदार खुशबुएं आ रही हैं। तो जो आखिरी जो 40 मिनट यहाँ से आसान में रोजाना गुजरता हूँ तो इसके अलावा तो जो बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आपके लिए तो बड़ा मजे हैं कि हर रोज आप लाइव कुकिंग कराते हैं और मजे मजेदार खाने जो मुख्तलिफ किस्म के हैं वो डेली आप, लेकिन वो जो एहसान भाई सबर करना पड़ता है ना, वो सबर के लिए बड़ा जिगरा चाहिए। आज हम आपके साथ खड़े हैं जी, चले चले आप भी हमारे साथ कर रहे हैं। एहसान भाई, आपको नहीं लगता ये रमजान जो है इसमें हमें खुसूस तौर पर हम देख रहे हैं कि काफी चीजें लामा साहब अपनी असल हकीकी शक्ल में वापस आ रही हैं, जैसे हम हुआ करते थे जो हमारी लाइफ पहले थी, 2-3 डिकेड्स पहले, कुछ 40-50 साल पहले, लाइफ उसी फेज में वापस आ रही है। हम देख रहे हैं काफी चीजें जो है सिस्टमाइज्ड हो रही हैं, तो इसका एक पॉजिटिव पहलू है, इसका एक मुस्बत पहलू है इस कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हुआ और हम अपने घरों में महसूर हो गए, उसके बाद रमजान आ गया तो हमने घरों में बैठ के भी लोगों की खिदमत की, तो आपको नहीं लगता कि चीजें जो है वो सारी वापस आ रही हैं, जो बड़ी बड़े इज्तिमा किए जाते थे और वो वहां पर इफ्तारियां करवाई जाती थी, बिल्कुल वो थोड़ी जो है वो स्क्वीज हो गई। हर शय अपनी असल की तरफ लौटती है, बिल्कुल बिल्कुल। यानी वो फॉलो करते हैं, कुछ चीज नहीं आई उसको देखा, लेकिन फिर जब उसमें वो देखते देखते ऐब उसके सामने आने लगते हैं तो फिर बंदा उसी पर चला जाता है जो सादगी इस्लाम ने बताई। ठीक है, बंदा उसी पर। बिल्कुल जी, ये जो इवेंट है पैंडेमिक है कोरोना का, ये एक यूनिक इवेंट है और ये 100 सालों में दोबारा रिपीट हुआ है 1918 के बाद, और इसकी नेगेटिव इंपैक्ट्स तो सारे जानते हैं और डेली डिस्कस भी होते हैं। तो पॉजिटिव इंपैक्ट्स पे जो आपने पॉइंट आउट किया वो बिल्कुल ठीक है कि ये टाइम की कमी थी इंसान के पास, अगर किसी चीज़ की कमी थी तो वो टाइम के लिए कमी थी। माँ बाप को अपने बच्चों को टाइम नहीं वो दे पाते थे, बच्चे जो थे वो अपनी मसरूफियात में बिजी थे, तो ये एक ऐसा टाइम मिल गया कि जहाँ सब इकट्ठे हो गए और ज़बरदस्ती उनको एक दूसरे के साथ टाइम गुजारना पड़ा। तो जिसके अंदर मैं समझता हूँ कि इसको पॉजिटिवली देखा जाए तो ये दोबारा से फैमिली वैल्यूज दोबारा से बहाल हो गई, फैमिली टाइम एक दूसरे के साथ गुजारना बहाल हो गया, आपको किताबें पढ़ने का टाइम मिल गया, आपको बच्चों के साथ लूडो खेलने का टाइम मिल गया, मोनोपोली खेलने का टाइम मिल गया। तो उस लिहाज से देखा जाए तो इसको अगर पॉजिटिवली आप गुजारना चाहें तो बड़े तरीके हैं। और आप ये देखें एहसान भाई के जो शादियां हैं वो कितने सादगी से हो रही हैं, बिल्कुल आज से पहले इतनी सादगी से शादियां नहीं हुई, तो जिनके पास जहेज देने के लिए कुछ नहीं था, जिनके पास फंक्शन करवाने के लिए पैसे नहीं थे, आज वो 4 लोगों के साथ जाते हैं शादी करवा के। आज एक चीज साबित हो गई कि हमारे जितने भी खर्चे थे, आउटिंग्स थी, वो सब फालतू थी, जरूरी जो और उसके है बगैर भी गुजारा उसके बगैर भी बड़ा अच्छा गुजारा हो रहा है। अगर हम आज नए नए कपड़े नहीं खरीद रहे तो हमारे पुराने कपड़े भी बड़े अच्छे हैं और वो चल रहे हैं। आज अगर हम लोग जो है बाहर से खाना नहीं खा रहे तो घर का खाना दोबारा से हमें पता चल गया कि बड़ा अच्छा है। तो ये सारी चीजें एक्स्ट्रा, हमने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारी चीजों को, फालतू चीजों को इंपॉर्टेंट बना लिया है और इंपॉर्टेंट चीजों को दूर कर दिया है। तो ये वो एक ऐसा टाइम है कि जहां दोबारा से फैमिली वैल्यूज और इकट्ठे टाइम गुजारना और घर की अपनाइयत, और आपको पता चला कि इंसान को कुछ भी नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच, हमारे लिए मजेदार पकवान जो है तैयार करते हैं, गुफ्तगू को कंटिन्यू रखते हैं। हम बात कर रहे थे एहसान साहब लोगों के बिहेवियर के हवाले से और खास तौर पर लॉकडाउन के हवाले से और कौन सी अशराफिया ने लॉकडाउन करवाया इसके हवाले से। बस बदकिस्मती से जो वजीर आजम साहब इमरान खान साहब हैं वो नेशनल यूनिटी नहीं पैदा कर सके इस क्राइसिस में, जबकि क्राइसिस के अंदर सबसे पहली जो चीज होती है वो यही होता है कि आप ऑपोजिशन को और गवर्नमेंट को एक पेज पे लाते हैं, क्योंकि आपने एक वबा से, एक क्राइसिस से आप डील कर रहे हैं। तो वो उन्होंने नहीं किया और आपने देखा कि वफाक की और सूबों की पॉलिसी बिल्कुल मुख्तलिफ रही, यहां तक कि जो पीटीआई के 3 सूबे हैं, केपी के, पंजाब, बलोचिस्तान, उनकी पॉलिसी भी वफाक से नहीं मिलती रही। तो ये जो कंफ्यूजन का शिकार रहे, लॉकडाउन करना है नहीं करना, फिर ताफ्तान में मिसमैनेजमेंट, और जो कोरोना आया एंटर किया वो उन्होंने हमारे बॉर्डरों से और एयरपोर्ट से एंटर किया, वहां इन्होंने जो नहीं संभाला, तो इसके बाद ये बयान देना कि अशराफिया ने लॉकडाउन कराया, ये बड़ी हैरानकुन बात है, क्योंकि लॉकडाउन तो जो एनडीए में या जो नेशनल जो है वो सिक्योरिटी को जो हेड कर रहे थे वो तो इमरान खान साहब ही कर रहे थे। हाँ। तो लॉकडाउन तो उन्होंने खुद कराया और इंप्लीमेंट किया और कह ये दिया कि अशराफिया ने कराया, जबकि ताजर और जो बिजनेस कम्युनिटी है
वो तो चाहते थे कि लॉकडाउन ना हो ताकि कारोबार इंपैक्ट ना करे। तो ये भी बयान जो था वो एक कंफ्यूजन का शिकार बयान था, जिस तरह के ओवरऑल उनकी पॉलिसी भी कंफ्यूजन का शिकार है और उनकी पूरी गवर्नमेंट की इंप्लीमेंटेशन, उनका ग्राउंड लेवल तक टाइगर फोर्स को बुलाना बनाना और उसका क्या मकासद है, ये सब कंफ्यूजन का शिकार है। और बदकिस्मती से मैं तो यही पैगाम दूंगा कि ये कोरोना जो है ये असल है, ये हकीकत है, ये हमारे घरों तक ना पहुंचे ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हुकूमत ने तो अपने हाथ अब खड़े कर दिए, तो ये अब लोड आवाम को ही लेना पड़ेगा। एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग रखें, अपने हाथ बार बार धोएं और जितना एहतियात कर सकते हैं वो करें, क्योंकि मैं समझता हूं अभी ये भी एक अजीब सी बात है कि दुनिया भर में लॉकडाउन को ईज कर रहे हैं या खोल रहे हैं तब कर रहे हैं कि जब जो कर्व है वो फ्लैटन हो रही है, यानी कि अब नए केसेस कम आ रहे हैं, दिन ब दिन हर रोज जो केस आ रहे हैं वो कम से कमतर होते जा रहे हैं। और हमारे यहां जो है वो बदकिस्मती से अभी केसेस बढ़ना शुरू हुए हैं, एक्सपोनेंशियली बढ़े हैं। हमारे यहां पे इट्स द अदर वे अराउंड, इट्स द अदर, अभी हमारा कोरोना ने पीक की तरफ जाने का आगाज शुरू किया है और हमने लॉकडाउन को ईज आउट कर दिया है। तो मुझे बड़ा खतरा आगे नजर आ रहा है, मैं आवाम के अंदर खौफ और हरास नहीं पैदा करना चाहता लेकिन एहतियात की उनको मैसेज देना चाहता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें है ये एहतियात। ये कोरोना वायरस जो है ये बढ़ता ही सिर्फ एक वजह से है कि जो आप ट्रैवलिंग करते हैं, जो आप लोगों से मिलते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखते। तो किसाना साहब, फैसलाबाद के हवाले से खुद बात की जाए तो मेरे ख्याल में कोरोना वायरस को बचाने के लिए हमें एहतियात बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। मैं अपने गेस्ट यासीन किसाना साहब का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। उसके साथ साथ राणा एहसान अफजल साहब हमें ज्वाइन किया, आपने बहुत शुक्रिया। हमारे बड़े स्वीट से गेस्ट थे हमें ज्वाइन करने के लिए, आपका बहुत दोनों का शुक्रिया। इसके साथ साथ हमारी इफ्तारी भी तैयार है और इफ्तार का वक्त भी करीब हुआ चाहता है, तो अपने होस्ट शिराज भट्ट को भी इजाजत दीजिए, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। रमजान।